मैं मनगवा का बेटा हूँ, यहाँ की जनता अवश्य मुझे अपना प्यार देगी। रीवा में रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अगर यहाँ की जनता मुझे लोकसभा में भेजती है, कहा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा के बाद मनगवा में पत्रकारों से बात करने के दौरान। आइए आपको सुनाते हैं और क्या क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने। इस तरीके का आपके घर में मीटिंग हुई, कैसा माहौल, क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं माहौल, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में काफ़ी जोश है और सबसे बड़ी बात यह है कि नाराज़गी बहुत है जनार्दन मिश्रा जी जो सांसद थे यहाँ से, उनके खिलाफ। तो आप जोश लोगों में देख रहे हैं। हाँ, ये मेरा घर है, मैं मनगवा का ही हूँ, लेकिन हम जवा में भी हमने जो सभा की थी वो इतनी ही बड़ी थी, इससे कम नहीं थी। तो जोश काफ़ी है लोगों में, पूरे ज़िले में है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सीट बड़ी आसानी से जीतेगी। कमलनाथ जी ने जिस तरीके की बातें कही हैं उसके बाद आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर भाजपा का जो तिलस्म था, जैसे 8 विधानसभा में वो जीते थे, लोकसभा में भी जीते थे, तो क्या इस बार तिलस्म टूट रहा? आपने बिल्कुल सही शब्द यूज़ किया, तिलस्म। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो तिलस्म बनाते हैं, जो सकारात्मक लोग होते हैं वो प्रेम फैलाते हैं। कमलनाथ जी ने आए यहाँ पर, खुद बोल के गए कि रीवा को मुझे गोद लेना है और रीवा को छिंदवाड़ा जैसे बनाना है। वो यहाँ तक बोल के गए कि मैं छिंदवाड़ा की वोटिंग अपने बेटे की छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। तो प्रेम फैलाते हैं, प्रेम के लिए वो यहाँ पर आए हैं। हम कोई तिलिस्म पे भरोसा नहीं रखते, हम लोगों के प्रेम पे हमेशा से भरोसा हमने रखा था। और ख़ास तौर से मुझे तो जितना प्रेम पिछले 1.5-2 महीने में रीवा की जनता से मिला है, मैं अभिभूत हूँ और शायद जीवन भर कभी इसका ऋण नहीं उतार पाऊँगा। ख्याल रख सकता है पूरा समाज, उसे समृद्ध होता है। तो मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो होगी रोज़गार। समस्या ये है कि रीवा ज़िले में कि पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में और तिलिस्म में, जैसा आपने कहा, और 5 साल के आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी के तिलिस्म में रीवा को करीब 2 दशक पीछे फेंक दिया है। रोज़गार के कोई साधन नहीं है, कोई ट्रेनिंग। देखिए, मैं कोई धनी व्यक्ति तो हूँ नहीं, गरीब आदमी हूँ और बेटा बन करके रहूँगा। चौकीदार जैसे शब्द का कोई मतलब नहीं इस्तेमाल करने का। मैंने मन से बोला था, यहाँ का मैं बेटा हूँ, रीवा का मैं बेटा हूँ। मैं ना नेता हूँ, ना मुझे ज़्यादा नेतागिरी आती है, तो मैं चौकीदार और बाकी संज्ञा तो नहीं जानता, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा अपने पिता का भी था और रीवा का भी एक अच्छा बेटा बनकर रहूँगा।